सो गाइस जो गाड़ी जो है हमने ली है वो हम आपको दिखा देते हैं, हमने ली है। गाइस वेलकम टू अनदर व्लॉग। फिलहाल जो है घर पर पहुंच चुके हैं, आधा घंटा लगा हमें पहुंचने के लिए, धोखा हुआ है हमारे साथ। अम्मी जी ने कहा था कि बिरयानी बना रही हूँ पर अब कह रही है नहीं बना रही हूँ। अम्मी ऐसा धोखा क्यों किया आपने हमारे साथ? मेरी तो तेरे साथ कोई बात ही नहीं हुई। बाजी ने फोन किया मुझे कि जल्दी घर पे आ, बोली झूठ पर बनाने तो पड़ेगी, अब तो मैं आ गया इतने दूर सफर करके। बाजी ने कहा कि जल्दी घर पे आ, बिरयानी बन रही है और मैं पहुंच गया, क्योंकि जो चावल हमारे घर के रहते हैं वो वहाँ पे शहर में नहीं मिलते। और धूप देखो तुम कितनी प्यारी आ रही है। और नई बाइक का व्लॉग भी नहीं बनाया था, जैसे कि मतलब मेरे जो है 100 व्लॉग जो है कंप्लीट हो चुके हैं। मैं आपको बता, मेरे 100 व्लॉग पूरे कंप्लीट हो गए। अब तो वैसे 101 या 102 हो चुके हैं शायद, बट 100 व्लॉग मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। और मैंने अपने पापा से कहा था, देखो ये बात मेरे तक याद नहीं थी, मैंने अपने पापा से कहा था कि जब मेरे 100 व्लॉग कंप्लीट हो जाएंगे मैं जो हूँ अपनी बाइक चेंज करूंगा। और बाइक भी चेंज नहीं करी, पापा ने जो है दूसरी बाइक लाकर खड़ी कर दी और वो वाली भी यहीं पर खड़ी है। और पूरे 100 व्लॉग, एक व्लॉग रह गया था मेरा 100 होने में और मेरी नई गाड़ी आ गई थी। यहाँ जवाब दो, ठीक है? आपसे मैंने फ़ोन मांगा था, आपने वो नहीं दिलाया लेकिन अब तक। अभी जो है मेरी अम्मी मुझे फ़ोन दिलाएगी और अब आपको हम बाइक दिखाएंगे कि कौन सी बाइक जो है हम दूसरी वाली लेकर आए हैं। और उसकी कुछ नहीं किया था मैंने, उसकी वीडियो कुछ नहीं बनाई थी, वो बाहर आज खड़ी है। अभी दिखाते हैं आपको, पुराने वाली से भी मिलाएंगे और वो वाली भी दिखाएंगे, क्योंकि पुराने वाली अब खड़ी रहती है और कितना प्यारा आ रहा है फोटो खिंचाने के लिए, बड़ा मस्त रहेगा यहाँ शेडो। और अभी निकलते हैं, बाजी को बर्गर खाने जाना है तो बर्गर खाने जाएंगे, उसी पर जाएंगे और चलते हैं और बाइक दिखाते हैं। सो गाइस जो गाड़ी जो है हमने ली है वो हम आपको दिखा देते हैं, हमने ली है बुलेट 350। तो अब दिखाते हैं आपको फुल मॉडिफाइड। सो जी ये रही अपनी न्यू बुलेट, देखो इसके अलॉय व्हील, देखो तुम कितने खतरनाक वाले अलॉय व्हील लगाए हुए, हॉर्न भी इसमें एकदम भयंकर वाला ही है। और बाउंसर अलग गुस्सा करके दिखा रहा है मुझे, आज मैंने इसके जो है ना आती चप्पल ही चप्पल मारी, क्योंकि ये बहुत बदतमीज हो गया था। और ऐसे वाले अलॉय व्हील डले हुए हैं इसमें और आगे मतलब फुल मॉडिफाइड है बाइक, मतलब कोई दिक्कत वाली बात इसमें ऐसी है नहीं। और अपना बीच जो है ये खड़ा हुआ है यहाँ पे बिल्कुल, पापा ने जो है इसको धो के खड़ी कर दी, जो है पापा ने बढ़िया चमका के और धो के जो है खड़ी कर रखी है। और जो पीछे से खटर पटर की आवाज़ है उसको इग्नोर करना, अपने पड़ोसियों की आ रही है और बांसी को नहीं लेके जाएंगे। और बस अब एक गिफ्ट मेरी मम्मी की तरफ का वस्ता है, पापा की तरफ का गिफ्ट जो है आ गया है। और इसको बेचने का भी अभी देखते हैं, पापा जो करेंगे देखेंगे, जो भी सीन होगा पापा ही करेंगे, मैंने तो यहाँ पे छोड़ दिया। और ये देखो ये आज तक किसी ने एनएस पे कभी पैर नहीं रखा आज तक, और देखो अब आजकल क्या कह रही, जिम जा रहा तो ताकत इस पर दिखाएगी है। और लड़की का भयंकर तरीके से जो है वो बढ़ रहा है, क्या कहते हैं मुझे अंदर से, एक बार इन्हें उठा ली चलेगी तो, ये चाबी तो मेरे हाथ में, चलाएगी कैसे तू इसे? जो है खा चुके हैं बढ़िया करके, बस फिलहाल अब जो है मोमोज वगैरह खाएंगे फिर निकलेंगे घर के लिए। मार्केट में है, देखो हम बाजार भी दिखाते हैं आपको। ये है अपने यहाँ की मार्केट, यहाँ पे हमने खाए गोलगप्पे बहुत टेस्टी बनाते हैं। ये रही अपने यहाँ की मार्केट। मार्केट से जो है पहुंच चुके हैं घर, अब जो है करेंगे टाइम पास घर पर ही। अम्मे अंधेरा कर रखा यार बहुत, कहीं भी नहीं दिख रहा मैं हूँ, लेकिन मैं यहीं पे हूँ देखो, यहीं हूँ मैं, कोई बात नहीं अंदर जाके दिख जाऊंगा आपको। गाइस जो है मम्मी के लिए जो है खाने के लिए मैं घर पे ले आया हूँ, और उन्होंने देखो कच्चे आम कितने बड़े बड़े मंगवा रखे हैं। कहाँ से मंगवाए आपने ये देखो? मैंने पहली बार जिंदगी में इतना बड़ा कच्चा आम देखा मम्मी, सच में कह रहा हूँ, मैंने पहली बार अपनी जिंदगी में इतना बड़ा कच्चा आम। ओ चिट्टी अम्मी किसे देख के लग रही है, वो ऐड देखा था आपने, अगर मेरी मम्मी को देख के तू बजी तो एकदम बच जाती है भाई। लेकिन ये कच्चे आम इतने बड़े बड़े आपको लग रहे होंगे पक्के हैं, बट ये पक्के नहीं है, देखो पास से देखो, टच करके देखो, दबा देखो, मैं पूरे तेज से दबा रहा हूँ। गुड़म्बा क्या हो सब्जी? हाँ। पर बड़े खतरनाक लग रहे हैं ये जो आम है ना, बड़े मस्त लग रहे हैं। इसको थोड़ा सा भी खाऊंगा मैं, खट्टे खट्टे
इतने सारे लेके आ रखे हैं पापा, ये देखो कितने सारे रखे हुए हैं। मुरब्बा ले वो लगा याद है साउथर्न इंडिया के, ले चक ले ये मुरब्बा। मैं और मेरी मम्मी साउथर्न इंडिया इतना ज्यादा देखते थे जिसकी कोई हद नहीं है। तो अब जो है चावल निकाल के लाने हैं बासमती के, जिन जो मैं तुम्हें बता रहा था कि हम घर के खाते हैं, तो उधर वाले कमरे में जो है वो रखे हुए हैं, तो वहाँ से निकाल के लाते हैं। जब मैं आता हूँ तो तभी निकलते हैं, क्योंकि मम्मी जो है सिर्फ मेरे लिए बनाती है वो वाले चावल, और घर वालों को तो मैं कौन से चावल खिलवा दूँ। अपने बाजी और मम्मी इन्हें इनके लिए तो प्लास्टिक के चावल बनते हैं वो दुकान वाले। कमरे में रखा हुआ ये मेरी मम्मी के दहेज का सामान है, देखो जो नीचे रखा हुआ है ऊपर रखा हुआ है सारा, ये सोफे ये पूरे के पूरे जो है मेरी मम्मी के दहेज के हैं, और बेड जो है मैंने रखा हुआ है अपनी मम्मी जी की याद में। याद में मतलब कि इनके दहेज का, ऐसे याद में नहीं कि मतलब ऐसे रखा हुआ है इनके दहेज का, इसलिए संभाल के रखा हुआ। तो चावल ही तो रखे हुए हैं। ओ इस देखो तुम स्टोर रूम का हाल देखो तुम, क्या हो गया भयंकर ही खतरनाक वाला खराब हो चुका है इसका हाल। हाँ अभी जब छुट्टी होगा तब करेंगे। अभी ये देखो कैसे रखा हुआ है पूरा तार वार इस पे, इस वाले में से निकाल लें। हाँ इनमें सो इस कट्टों में जो है सब में चावल भरे पड़े हैं, तो इनमें से निकालते हैं उसके बाद चलते हैं अंदर। असाइनमेंट भी बनाना है क्योंकि अपना जो है कल असाइनमेंट का भी टाइम है, तो अभी असाइनमेंट भी बनाना है। स्केच पेन जो है अम्मी जी, स्केच पेन कहाँ पर मिलेंगे? तो जब हम छोटे थे ना मेरी मम्मी इतने स्केच पेन निकालती थी, मम्मी को ना वहाँ से मिलते थे, अपनी ड्यूटी की तरफ से मिलते थे स्केच पेन इतने सारे, लेकिन अब पता नहीं कहाँ चले गए हैं वो स्केच पेन। देखता हूँ ढूंढता हूँ और उसके बाद जो है अपना काम भी। अम्मी जी इसमें एक भी नहीं है, अम्मी इसमें एक भी नहीं है। गाइज ये जो है बन चुका है अपना वो क्या बोलते हैं प्रोजेक्ट, पूरे 30 पेजेस का है प्रोजेक्ट था, बस थोड़ा सा ही काम मेरा बाकी था इसमें। मेरी बहन से घड़ी भी क्यों घूर रही मुझे। थोड़ा सा ही काम इसमें जो है बाकी था। ये देखो तुम 30 पेजेस का कितना ज़्यादा असाइनमेंट रहता है हमारा, ये मुक्स का होता है एक किस्म का, तो क्यों घूर रही मुझे। और ये जो है ना 30 पेजेस में बनाना पड़ता है हमें, एक एक्सटर्नल वो होता है हमारा कोर्स, वो जो है ऑनलाइन इनरोल करते हैं उसमें, तो उसका असाइनमेंट रहता है। अब इसका जो है हमारे जो सीसी है वो ही लेंगे सब कुछ, जो बायवा वगैरह होता है वो सब उसका वो ले लेंगे। एंड उसके बाद अब जो है इसका फ्रंट पेज बचता है, वो मैं अभी थोड़ी देर में बना देता हूँ। और मेरी गाड़ी बाहर आ चुकी है, भाई चलना है अंकल के यहाँ है। तेरे टेबल का नहीं, एक टाइम पे गाइस ये टेबल स्टडी टेबल है, ये मेरा हुआ करता था, रुको तुम्हें दिखाते हैं। एक टाइम पे ये जो स्टडी टेबल है ना ये मेरे रूम में रखा हुआ था, पर मेरे जाने के बाद मेरी बहन ने ना मेरे जाने के बाद इसने कर दिया। ये देखो कितना प्यारा है गाइस, वाओ ये तो तेरा ही है, बट ये जो सारा सामान था ये सब कुछ मेरा सामान रखा हुआ। तुम इसके नोट्स ये चेक करो, टेबल चलो इसने ले लिया कोई बात नहीं, बट बच्ची जो है टेबल पे जो है मेहनत करती है। ये सारे के सारे इसके हैंड रिटन नोट है, ये देख सकते हो तुम, पूरी A4 शीट का पूरा बंडल भरा हुआ है इसने, पूरे हैंड रिटन है इसके। ये देखो ये पूरे के पूरे जो है ना ये इसके हैंड रिटन है। हाँ पीऊँगा अभी आ रहा हूँ। और इसका और मेरा कंपेरिजन अगर किया जाए तो ये मेरे नोट्स है और ये इसके नोट्स हैं, और ये सारे इसके नोट्स रखे हुए। मैं कर रही है कुछ तैयारी, गुलगोंडे अभी पियेंगे, लेकिन जो भी तैयारी कर रही है बाद में जब इसकी मेहनत रंग लाएगी आपको बताएंगे। ये देखो भाई साहब वो कितना तेल लगा रखा तूने सिर में, क्या बता रही थी भाई जी तू? हाँ तो बिना तुम्हारे पापा ने काम करा क्यों? और चप्पल भी तो पुष्पा वाली लेके आए पापा, ऊपर मत रख बेटे, चप्पल भी तो पुष्पा वाली लेके आए पापा। पहली बार हमारे बिना गए और देखो कितनी छोटी चप्पल ले गया है। और तूने इतना सिर में तेल क्यों लगाया हुआ है? इतना तेल क्यों लगाया हुआ तूने सिर में है? जल्दी बोल। इतना गाइज वेलकम टू अनदर डे, कल का व्लॉग जो है हाफ ही रह चुका था तो इसलिए आज से कंटिन्यू किया है। हाँ तो अभी निकलना है एंड कार पापा लेके गए हुए हैं, पापा कह रहे थे बस से चला जाओ, बट मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से चला जाऊँ क्योंकि पेपर आने वाले हैं तो पढ़ाई यहाँ पर डिस्टर्ब ही होती है। कल भी मैं और मेरी बाजी पूरे दिन घूमे ही है बस, और तो कुछ नहीं किया हमने बाइक के जो है। हाँ मतलब इसने पढ़ाई करी है, मैंने कुछ नहीं किया है। अपनी NS मैंने वहाँ पे लगवा दी है ताकि उस पर धूप वगैरह कुछ ना लगे, और अपनी बुलेट तो वहाँ पे खड़ी हुई है। पापा भी आज बाइक घर छोड़ गए हैं और मम्मी की गाड़ी भी ऐसे ही है आज। तो अब देखते हैं कैसे निकला जाएगा, छाता लेके सोच रहे हैं निकलने की, बट छाते मिल नहीं रहे हैं क्योंकि बहुत दिनों से जो है ज़रूरत पड़ी रही है उनकी, तो वो पता नहीं कहाँ पर रखे हुए हैं। तो अब देखते हैं नया लेंगे या क्या करेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या होगा। इधर लगवा दी थी मैंने अपनी NS ताकि इस पर धूप वूप कुछ ना लगे, क्योंकि धूप में रहेगी तो ख़राब ही हो जाएगी। और ये देखो भीगी हुई कितनी प्यारी लग रही है, मस्त नहीं लग रही बाजी भीगी हुई?
अबे ऐसा अच्छी लग रहा है ना, पानी पानी पड़ा हुआ देख उस पर कितनी प्यारी लग रही है ना। अम्मी अच्छी लग रही है ना मेरी गाड़ी। अम्मी बाउंसर को खाना दे गया इधर। मेरी अम्मी इस पर अब तक नहीं बैठी, कह रही मुझे इसकी आवाज़ पसंद नहीं है। बड़ 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 अम्मी लोग मर रहे हैं इसकी आवाज़ के लिए, आप कह रहे पसंद नहीं है। क्या कह रही? हाँ यही दिक्कत वाली होगी। करेंगे ब्लॉग पसंद आएगा, पसंद आएगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।